Ms. Varun from Puran Murti Global School, Department of Mathematics. In my last video, we have discussed up to exercise 1.5 completely of chapter 1st from class 9th NCERT Mathematics. Now I am going to start exercise 1.6, which is the last exercise of your chapter. ठीक है? Exercise 1.6 start करने से पहले आपको थोड़े से रूल आने चाहिए जिनको मैं बोलता हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन योर 8th स्टैंडर्ड आपने ये रूल्स पढ़े भी हैं पावर और इंडिसेस में भी. पावर और इंडिसेस में आपने ये रूल पढ़े हैं, ठीक है, जहाँ पर हम किसी भी वैल्यू की पावर रखते थे, उन पावर्स को हम सोल्व करते थे. सेम उसी वे का ये क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए. सबसे पहले अगर कोई भी नंबर है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, कोई भी वैल्यू है, चाहे अगर उसकी रेस्ट ज़ीरो को छोड़कर, यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा ज़ीरो, ये बात ध्यान रखना. ए रेस्ट टू पावर ज़ीरो ऑलवेज वन होता है, इन दैट केस ए शुड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बात याद रखना. ए रेस टू पावर इज इक्वल टू वन होता है, बट ए को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ अनडिटर्मिनेट फॉर्म में चली जाएगी, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता. रूल नंबर टू, ए रेस टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेस टू पावर एन, जहाँ पर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर ऐड हो जाती है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. रूल नंबर थ्री, ए रेस टू पावर एम डिवाइड बाय ए रेस टू पावर एन, ए रेस टू पावर एम डिवाइड बाय ए रेस टू पावर एन, या तो ये ऐसा लिखा हुआ हो या ऐसा लिखा हुआ, दोनों का मतलब एक ही होता है और पावर क्या हो जाती है बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. दैट कैन इट कैन बी रीड एज ए रेस टू पावर एम माइनस एन, क्या रीड होगा ये, ए रेस टू पावर एम माइनस एन. इसके बाद अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, अगर बेस अलग अलग हो पावर सेम है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर सेम रहती है, पावर क्या रहती है, सेम रहती है. इसके बाद अगर फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दे रखे ऐसे कंबाइन की, a बाय b रेस टू पावर m, देन इट कैन बी रिटन एज a रेस टू पावर m डिवाइड बाय b रेस टू पावर m, ये ऐसे अलग अलग भी लिखी जा सकती हैं. ठीक है, और एक फॉर्मूला ये भी कहता है, इफ a रेस टू पावर m रेस टू पावर n, पावर्स है किससे बढ़ रही, तो ये लिखा जाएगा a रेस टू पावर m n, तो पावर्स और पावर्स का आपस में ही क्या हो जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है. क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ और तो नहीं रहता है आपका, तो मेरे हिसाब से कुछ और नहीं रहता, अगर रहेगा तो हम उसको क्वेश्चन में डिस्कस करें. हाँ, एक और फॉर्मूला आपका यहाँ पे रहता है, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपके आगे के लिए आपको काम आएगा. अगर a रेस टू पावर, सपोज़ मैं एक फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहा हूँ, और वो फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने क्या ले लिया, a रेस टू पावर m बाय n ले लिया, क्या ले लिया, a रेस टू पावर m बाय n ले लिया, वो फ्रैक्शनल वैल्यू ले लिया मैंने a रेस टू पावर m बाय n, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, n रूट a रेस टू पावर m, और ये लिखा जाएगा आपका n रूट a रेस टू पावर m, ये दोनों बातें सेम, क्लियर है, ये दोनों बातें क्या होती हैं, सेम होती है. मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल समझिए. सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया a रेस टू पावर 4/5, क्या ले लिया, a रेस टू पावर 4/5, यहाँ पर m मैंने 4 ले लिया, n मैंने 5 ले लिया. इस बात को मैं लिखूँगा, देखो मैंने n यहाँ लिखा तो ये मतलब 5 लिखा जाएगा, रूट a और रेस टू पावर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया. मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर रूट के आगे यहाँ कोई वैल्यू लिखी जाती है, अगर यहाँ कोई आगे वैल्यू लिखी जाती है, तो ये कुछ इस तरह लिखा जाता है, क्लियर है, ये कुछ इस तरह लिखा जाता है. अगर रूट के आगे वैल्यू लिखी जाती है, तो ये रूट जो वैल्यू है a रेस टू पावर 1/समथिंग लिखा जाता है. तो इस बात को मैं क्या पढ़ूंगा, ये हो गया a रेस टू पावर 1/5, क्या हो गया, a रेस टू पावर 1/5, और इसकी पावर कितनी है, 4 है. तो बाय दिस रूल, रूल नंबर 6, पावर्स अगर ऐसे दी गई हो तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. इस बात को मैं क्या पढ़ूंगा, a रेस टू पावर 4/5, क्या पढ़ूंगा, a रेस टू पावर 4/5, क्या ये वैल्यू यही नहीं हो गई,
ये वैल्यू यही हो गई ना, तो ये सेम होता है। अगर ये मैंने ये वाला रूल लिया है, अगर मैं उस वाले रूल की बात करूँ सेम इसी क्वेश्चन के लिए, 4/5 मैंने लिया, अगर उस फॉर्मेट में मैं इसको लिख दूँ तो ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा a रेस टू पार 4, क्या हो जाएगा a रेस टू पार 4 हो जाएगा। अब फर्दर a रेस टू पार 4 तो था ही, अब इसकी पावर कितनी हो गई है 1/5 हो गई है कंप्लीट की, तो अब भी ये चीज़ क्या आएगा a रेस टू पार 4/5 ही आएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज 1.6 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, इनको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ये फॉर्मूले आप नोट करोगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप क्वेश्चंस करना शुरू करोगे। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। 1.6 एक्सरसाइज है आपकी, और बेटा ये मैं पहले लिख भी चुका हूँ, वन फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 16 रेस टू पावर 1/2। सबसे पहले अगर कोई बड़ा नंबर दिखता है आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है? इसको क्वेश्चन को ऐसे करते जाइए। चलिए आई हैव डन दिस, एंड 64 कैन बी रिटन एज 2 रेस टू पावर 6। क्या लिखा जा सकता है? 2 रेस टू पावर 6। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में 2 रेस टू पावर 6 रेस टू पावर 1/2 लिख दिया। कोई डाउट है? लिख सकता हूँ। ये हो गया 2 रेस टू पावर 6 मल्टीप्लाई हो गया, देन 6/2 हो गया है। क्लियर है? और ये आगे क्या हो गया, 6 को 2 डिवाइड करेगा 3, एंड 2 रेस टू पावर 3 इज़ नथिंग बट 8। क्या हो गया है? इज़ नथिंग बट 8 हो गया है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर मैंने किस रूल का इस्तेमाल किया, मैंने रूल का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, किस रूल का इस्तेमाल किया, a रेस टू पावर m रेस टू पावर n इज इक्वल टू a रेस टू पावर m n, मैंने इस रूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप रूल्स को साइड में 3 डॉट्स दिखा करके आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख दोगे, वो CBSE ज़्यादा अच्छा मानता है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं जिससे कि क्वेश्चन की वैल्यू बढ़े, जिससे क्या बढ़े, क्वेश्चन की वैल्यू, ठीक है? चलिए इसके साथ आगे बढ़ते बेटा, इसी का ही अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, देखिए सारे क्वेश्चन करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। 125 रेस टू पावर 1/3 क्या होगा? 125 रेस टू पावर 1/3, 125 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये कुछ इस तरह का आ गया है, 5 रेस टू पावर 3 इज़ नथिंग बट 125, देन 5 रेस टू पावर 3 इज़ नथिंग बट 125, एंड अगेन आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला विच आई एम यूजिंग अर्लियर, दैट इज a रेस टू पावर m रेस टू पावर n इज इक्वल टू a रेस टू पावर m n, विच इज कैन बी रिटन एज 5 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल्स टू 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्लियर? तो इसी के साथ अगर क्वेश्चन नंबर 2 करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं एक पार्ट करूं, सपोज मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसने एक सिंपलीफाई, अब थोड़ा दूसरे तरीके से सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ये आपको गिवन है 9 रेस टू पावर 3/2, मैंने 9 को अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 3 9 3 खत्म। तो ये क्या लिखा गया, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वेयर, और रेस टू पावर कितना है 3/2। देखिए सेम फॉर्मूला कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, a रेस टू पावर m रेस टू पावर n कैन बी रिटन एज a रेस टू पावर m n, क्या रिटन, a रेस टू पावर m n। ये बात क्या होती है, 3 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 रेस टू पावर 3 हो गया, 3 3 9 3 27, दैट दिस इज द 27 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक नंबर में आएंगे, अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए ना तो एक एक नंबर में आएंगे, मुश्किल नहीं होंगे। अगर इसका थर्ड पार्ट करूं तो 16 रेस टू पावर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 16 रेस टू पावर 3/4, अगेन 16 इज नथिंग बट 2 रेस टू पावर 4, बोलो 2 2 4 2 8 2 16, एंड रेस टू पावर 3/4 अगेन द सेम, अरे इतनी बार इस्तेमाल हो रहा है ये सेम फॉर्मूला,
a raised to power m raised to power n is a raised to power m n. Then this is what 2 raised to power 4 multiply by 3 by 4 cancel out with each other. Then 2 raised to power 3 is nothing but, these are very simple kind of questions, okay? तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट आप खुद कर सकते हो. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा चलिए लेवल मान के चलते हैं कि लेवल है क्वेश्चंस का, तो इसके सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे. 2 रेस टू पावर 2 बाय 3 डॉट 1 2 रेस टू पावर 1 बाय 5. ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है. मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा, आप रिवर्स में जब जाके देखोगे, ए रेस टू पावर एम डॉट a raised to power n है अगर, तो a raised to power mn हो जाता है, सॉरी m plus n हो जाता है. क्या हो जाता है? m plus n हो जाता है. अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है मेरे बेटा, ऐड हो जाते हैं. तो 2 raised to power 2 by 3 plus 1 by 5 हो जाएगा. 2 raised to power LCM लोगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया, 5 2 जा 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 1 जा 3, then this is equals to 13 by 15. Then what is this? This is 13 by 15, which is the required answer. आसान है, मुश्किल नहीं है, फिर भी फटाफट स्पीड से सारे क्वेश्चन हम कर लें. चलिए वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही, थर्ड का ही, 1 by 3 raised to power 3 raised to power 7. देखिए कुछ भी हो, एक और बात हमेशा ध्यान रखिए, 1 की पावर 1 raise to power कुछ भी है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है, चाहे 0 है, माइनस में है, पॉजिटिव है, चाहे कैसी भी वैल्यू है. वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर, 1 raise to power n हमेशा 1 के इक्वल होगा अगर n क्या है बेटा, इंटीजर है. इफ n इज ए इंटीजर, इफ n इज एन इंटीजर, ठीक है. तो 1 रेस टू पावर, देखिए ये कंप्लीट की पावर्स दे रखे, तो 1 रेस टू पावर 7 होगा और नीचे क्या होगा, 3 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 7 होगा, तो 1 रेस टू पावर 7 तो 1 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 रेस टू पावर 21. इसको यहीं छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है कि 3 रेस टू पावर 21 कितना है. क्लियर है, दैट इज द क्वेश्चन. वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं. स्पीड अगर लग रही है तो वीडियो को स्लो करके देखिए, उसमें यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है वीडियो को स्लो करने का भी, आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं, वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं. ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n. मैंने कहा था अगर डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, 11 रेज टू पावर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4. आधे में से अगर उसका आधा चला गया तो उसका आधा बच गया, दैट इज इक्वल्स टू 11 रेज टू पावर 1 बाय 4. मुश्किल नहीं है, आप एलसीएम लेके इसको कर सकते. इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4, एलसीएम इज 4, 4 2 जा 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 4. मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं कम टाइम ले रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है. एक दो नंबर का इसमें से आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा. चलिए थर्ड का अगर मैं करूँ, कौन सा पार्ट हो गया भाई, फोर्थ पार्ट पे हम आ गए हैं. लास्ट क्वेश्चन इसने दिया, 7 रेज टू पावर 1 बाय 2 डॉट 8 रेज टू पावर 1 बाय 2. 7 रेज टू पावर 1 बाय 2 एंड 8 रेज टू पावर 1 बाय 2. ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है सर a रेज टू पावर m है डॉट b रेज टू पावर m है, तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम रहेगी, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 डॉट 8 रेज टू पावर 1 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 7 8 जा 8 7 जा 56 रेज टू पावर 1 बाय 2. अगर क्वेश्चन यहाँ तक आंसर छोड़ा तो अच्छी बात, नहीं तो 56 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 228 2 कितना हो गया, ये 14 277 यहाँ पे फिनिश हो जाता. तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 में 7, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, पावर हाफ हो जाती है, इसकी पावर क्या हो जाती है, हाफ. तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 रेज टू पावर 2 है मल्टीप्लाई 2 × में 7 है, ये लिखा जा सकता है. इस बात को 56 को मैं
टू रेस टू पावर टू इंटू में टू इंटू में सेवन, सबकी पावर अगर हाफ कर दूंगा मेरे बेटा तो टू रेस टू पावर टू की पावर हाफ तो टू ही आ गया, और रूट में क्या लिखा जाएगा, फोर टू जा 14, तो ये बात कुछ ऐसी दे देगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर वन यहाँ पर कंप्लीट होता है, कंप्लीट मैंने एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट डिस्कस किया है, तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हो जाता है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर टू, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।